गाय जी सीर पैक हो रही है, हमारी बाजी बैठी है। आज ये हमारा बन रहा है ब्लॉग ईद सबके साथ शेयर करने का, और हम जाएंगे सबके यहाँ शीर देने, किसी के पार्लर, किसी के घर। अभी ये मेरी भतीजी है, मेरी लड़की सी हानू, हानू नाम है इसका। हानू हेलो करो, हेलो कर दे, हेलो ईद मुबारक, ईद मुबारक कह दो, ईद सलाम करो, सलाम माम करो, माम इतने बड़े। गाइस सीर पैक हो चुकी है और अब ये हम सजा रहे हैं और फिर इनको लेके जाना है। भाइयों अब हमने पैक करा लिया और हम निकल चुके हैं अपने घर से, केला भट्टा इस्लाम नगर। गाइस देख सकते हैं आप, ये हमारा गाजियाबाद का ईदगाह है जहां हमने ईद की नमाज अदा की आज। ये हमारे यहाँ सारा गाइस, आजकल होता क्या है कि ना त्यौहार वगैरह या ईद वगैरह ये सब कुछ ना बहुत ज़्यादा फीके हो गए, तो लोग बाग ना अपना नमाज वगैरह पढ़ के आ गए और बच्चों को ईद दे गए और सो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर सोना पसंद करते हैं। तो लोग गाइस मिलते हैं श्रीनगर सी ब्लॉक मार्केट। गाइस हम अपने पहले शीर के डब्बे पे, यानी कि पहले ईद मिलने पहुँचने वाले हैं। यही 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 गाइस हम गलती से गलत चले गए, बहुत दिनों बाद। असल में क्या होता है, इसलिए मैं शीर बांटना थोड़ा सा पसंद करता हूँ, असल में एक बार तो मिलना हो ही जाता है अपने करीबों से। हम चले गए सैमसंग वाले में, मुझे लगा कि सैमसंग वाला अलग है और एक साइड उनका पार्लर अलग है। अभी हम बैल बजाएंगे, बैल कौन सी है, मैम का है? ये पार्लर है अंजलि मैम का। आरिफ आए हैं, ये पार्लर अंजलि मैम का, और ये सिंहासन है, कभी मेरा हुआ करता था, इन्होंने मुझसे छीन लिया। इसमें शीर है गाइस, ड्राई फ्रूट की कमी नहीं करी हमने। ज्यादा दुखी इन्होंने कर रखा है, मैं ईद मुबारक मिलने आया इनसे और ये आ नहीं रहे। ईद मुबारक दे। ये गाइस हम जा रहे हैं दूसरे डब्बे की तरफ, मतलब दूसरे मेहमान की तरफ। अब हम आए हैं रोजी मैम के यहाँ, गुलमोहर सोसाइटी C1 302। दादा भाई सीधा, रोजी मैम के यहाँ भी आने में बहुत दिक्कत है, पहले एंट्री कराओ, गार्ड से दिमाग मारो इधर इधर, जब जाके वो एंट्री देता है इधर, इसके ब्राम लगा दो बुलैन होकर। ये दानिश भाई दूसरों की सोसाइटी तोड़ते फोड़ते फिरा है, इन्हें कुछ और काम नहीं है। ऐसा माहौल ठीक भी लगता है ना, कोई किसी से मतलब, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। देखो ये दीदी आ गई, चलो चलो। दानिश भाई एक नंबर का झूठा है, फोटो खींच लिया वगैरह, फोटो मत खेच लिया। दीदी पूरी फिल्म बना दी तेरी, फोटो की बात कर रही है। वीडियो बना दी। ये चौहान जी के घर आ गए, ईद मुबारक चौहान जी। अरे आप तो तैयार हो रहे ईद के लिए? थैंक यू। नहीं बस निकल रहा हूँ, और भी डब्बे है ना। अच्छा। बांटने में टाइम लगेगा, शाम तक वही काम है अपना। हाँ। मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ, हेलो कर दो। हाय, ईद मुबारक चौहान जी की तरफ से। चलो बाय। मुबारक ईद मुबारक। अब आ गए हम गाइस न्यू पंचवटी,
ये लिख रहा न्यू पंचवटी, पढ़ पा रहे हो आप? और अब हम जा रहे हैं कंचन और पूनम मैम के घर पे, मतलब दोनों एक ही घर में रहते हैं गाइस, पूनम भाभी है, कंचन नंदा। गाइस हम आ गए पूनम मैम के यहाँ पर और कंचन मैम के यहाँ पर। दोनों का नाम इसलिए लेना पड़ रहा है कि दोनों मेरा ब्लॉग देखेंगे, और जिसका नाम ना लिया वही फिर बुरा मान जाएगी। और ये इनका स्वीट सा होम है, बैल बजाएंगे। और बैल हो रही है ख़राब, तो हम सीधा लॉक करेंगे और सीधा घर में पड़ जाएंगे। पूनम मैम बड़े लोग आए हैं, ईद मुबारक। क्या कर रहा हूँ, लाइव जा रहा हूँ ब्लॉग में, ब्लॉग बना रहा हूँ अपना। तो ठीक है ब्लॉग में मैं भी आऊंगी, ईद मुबारक। और ये इनकी छोटी सी परी है, अब ये 1 ईयर की भी नहीं हुई। ये इतने बचे हैं कंटेनर शीर के डब्बे, ममता के पार्लर पर जा रहे हैं चिप्याना, और यहाँ लग रहा है फाटक। और दांस भाई पी रहे हैं गर्मी में गन्ने का जूस, गर्मी लग रही है दांस भाई को ज़्यादा। गाइस इस ट्रेन ने हमारा शेड्यूल बहुत ख़राब करा दिया, वरना अभी तक हम ममता मैम के पार्लर पे शीर दे के उनसे ईद मुबारक कह के और वैशाली मैम के घर की तरफ को रवाना हो जाते, यानी कि तिलपता करण निवास, जहाँ मेरा दोस्त मोनू भाटी, सोनू भाटी, मेरी मम्मी सुनीता सब रहते हैं, और मेरा प्यारा सा बच्चा लड्डू। आज उसको मैं ईदी के लिए मिलने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये है तो उसकी सेकंड ईद, लेकिन फर्स्ट ईद पे जब मैं उसके घर गया था विशु के, सोनू के, तो वो सो रहा था। तो इस बार देखते हैं, अगर इस बार सो भी रहा हो तो उसे उठा लूँगा। फाइनली फाटक खुल गया गाइस, ऊपर वाले का शुक्र है कि फाटक खुल गया, तड़कती धूप में देखना। होस्ट एआर के आरिफ खान, जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चौंध लग रही है। फाइनली गाइस हम पार्लर पर पहुंचने वाले हैं, और बहुत टाइम लगा ये ग्लो एंड शाइन पार्लर पकड़ने में। ये ग्लो एंड शाइन पार्लर है गाइस, और यहाँ की ओनर का नाम है ममता चौधरी। आजकल जाटों से ज़्यादा याराना हो रहा, पहले गए थे अंजलि मैम के यहाँ, और पहले हमको लॉक करना पड़ेगा। और ये ममता मैम है, ममता मैम चेहरा तो दिखाओ पूरा, यहाँ व्लॉग बन रहा है। अच्छा व्लॉग इसलिए बना रहा है ताकि हमारा रेट चाले, रेट न डलती है व्लॉग से। ये देखो ऑनर ही डर रही है, क्लाइंट है क्या? लो तो फिर क्लाइंट है तो कोई बात नहीं। ओ भाई बच गया, बच गया, बच गया। ईद मुबारक। कोई बात नहीं, हम तो अपने लाल पे वाले पे चले आएंगे। ब्लॉग बना रहे हैं, चलो चलो ममता जी एडिटिंग कर देंगे, एडिटिंग में मैं आपको सुंदर बना दूंगा, ठीक है यूट्यूब पे डालूंगा। ये ममता जी का पार्लर चिप्याना में। अब हम जा रहे हैं ममता जी के पार्लर से रिटर्न अपनी न्यू ब्रांच लाल कुएं वाले पार्लर पे, जहाँ पे शाहरुख सलमानी ब्रांच के सीईओ हमारा वेट कर रहे हैं। फाइनली गाइस आ गए हम अपनी न्यू ब्रांच पे, जिसका नाम है एआर के एकेडमी, और ये हमारी बहन है मानसी, जिसका हमने बैनर लगवाया। लाल कुएं पे हमारी एकेडमी है, पंचशील कॉलोनी रविंद्र चौधरी की कोठी के पास। हैप्पी ईद, हैप्पी ईद नहीं होता वैसे तो, ईद मुबारक होता है। ईद मुबारक आपका
ईद मुबारक। ईद मुबारक रंबा। तुझे सोने के अलावा कुछ और काम नहीं है ना? इधर देख व्लॉग बन रहा मेरा। ईद मुबारक। ये ब्रांच के जो सीईओ है लालगोए वाले के, ये भी ईद मुबारक की जगह सोए रहे हैं। गाइस हम आ चुके हैं यहाँ, चार शीर के डब्बे देने हैं अलग अलग परिवार को। ईद मुबारक भाई। ठीक हो? निकाल लो। सुबह से बाट तक दांत भाई गए शेर देने। गाइस यहाँ पर अलाउ नहीं है थोड़ा सा वीडियो वगैरह, कुछ लोगों को शो ऑफ वगैरह लगता है ना। अभी हमारे पास बचे हैं, और ये मुड़ गया, सॉरी। तीन, ओ सॉरी, दो, तीन, चार, पांच, पांच डब्बे बचे गाइस, और दो ये बचे चने। देख आओ जल्दी जल्दी, दानिश भाई बांट रहे हैं यहाँ पर तेजी के साथ। ये दानिश भाई अपने शेर के डब्बे बहुत ज्यादा फुर्ती से बांटते हैं। चाचा कह रहे ईद मुबारक। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी लेना बहुत जरूरी है गाइस, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब ऊपर वाला सबका एक है और सब इंसान एक है। चलो गाइस मिलते हैं फिर, तिलपता जाएंगे मोनू भाटी, भाटी हाउस वहाँ मिलते हैं गाइस। या फिर यहाँ से जब निकलेंगे तो रास्ता यहाँ से कितना दूर है वो दिखाएंगे आपको। ओके गाइस बाय बाय। गाइस इस टाइम पे हम हरिश्चंद्र के बाग पे कचेड़े के लिए रास्ता जा रहा है ये, और फाइनली अब हमारे पास दो शेर के डब्बे बचे हैं और दो बचा है चना मसाला, और ये जाएगा भाटी हाउस। मेरे जिगरी दोस्त मोनू भाटी, सोनू भाटी के घर पे, और उसके बाद जाएंगे हम गुलजार चौधरी साहब से मिलने, जिन्होंने हम मुझको धमकी दी है कि अगर तुम तिलपता आओगे तो आज खोदना भी आना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अभी हम आ चुके हैं तिलपता के एक कैंटीन पे, जहाँ से हम लेंगे बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स, क्योंकि ईद तो गाइस बच्चों की होती है ना, और वेशों के तीन बच्चे हैं, श्यान, साची, अन्नू, और तीनों ही बड़े क्यूट है। कसाटा 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 ले लो एक। हाँ गाइस देख रहे हो तुम आइसक्रीमों को कितने मजे हैं। एक कसाटा भैया हम बना रहे व्लॉग ईद का, ईद मुबारक बोल दो। ईद मुबारक भाई साहब, धन्यवाद। एक आइसक्रीम है, पांच चॉकलेट है। गाइस हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं अपनी मंजिल के, मतलब आखिरी घर इनके ही जाना है बस, और उसके बाद रिटर्न में जाना है गाइस गुलजार चौधरी साहब के घर, और फिर जाना अपने घर। अपने घर जाकर सोना है, खाना वाना खाना है, और ड्रीम इलेवन पर टीम बनानी है। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, और हमारी मंजिल है ये, साची, अन्नू, अरे वो बैठी वेशु, वेशु भाटी।
ईद मुबारक। लड्डू गिरा, ईद मुबारक लड्डू, ईद मुबारक बोलो। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। लड्डू तो शैतानी भी करता है। ओ चाहिए, खोल दो चॉकलेट, खोलो, दिखाओ 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 चॉकलेट। खोलो खोलो, दाएं चाचू से खुलवा लो। गाइस ये तिलक तुम अपनी तीसरी ब्रांच ओपन होने वाली है, ईद की वजह से इसकी ओपनिंग वगैरह रोक दी थी। अब ईद हो चुकी है तो इसकी ओपनिंग भी आजकल में मतलब कल परसों में करेंगे। ये इसकी डिस्प्ले है, अभी काम चल रहा है, वो इंटीरियर वगैरह सब वो थे मोमडन हमारी कास्ट में, जिसकी वजह से इसका काम प्रॉपर हो नहीं पाया। बाकी एक दो दिन में इसकी ओपनिंग हो जाएगी। किसी को भी ग्रेटर नोएडा, नियर ग्रेटर नोएडा और हेयर का या ब्यूटी का या मेकअप वगैरह के रिलेटेड कुछ भी कराना हो तो यहाँ आ सकते हैं। ईद मुबारक गाइस। गाइस फाइनली अब हम आए हैं गुलजार चौधरी जी के घर पे ईद मुबारक कहने। ईद मुबारक, अरे मोनू भाटी भी यही है। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक हो भाई, इतना पानी पियो। ईद मुबारक भाई, मेरे भाई को भी भाई, ईद मुबारक भाई। मैं तुम्हारे घर पे गया, तुम देखना यार, ये थे नहीं हो ना। ओके गाइस, ईद मुबारक आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गुलजार भाई के नाम पर।